नमस्कार दोस्तों, अभी तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप क्यों चल रहा है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं? क्यों इंडिया आउट हैशटैग जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था? आप सभी को विवाद पता है क्योंकि तमाम चैनलों ने आपको बता दिया। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर का जो विवाद बढ़ा, लक्षद्वीप की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को जनता से ये अपील की थी कि अगर आपको कहीं पर घूमने जाना है, आप बीच पर जाना चाहते हैं तो आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। और उसके बाद से ही ये मामला बढ़ता गया और उसके बाद मालदीव्स के 3 मंत्री जो है वो भी बर्खास्त कर दिए गए। दरअसल उन्होंने भारत के विषय में और कुछ जाति सूचक जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया था, और एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ अपशब्द कहे थे, जिसके बाद उन तीनों को बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि मालदीव्स में सरकार भी गिरने जा रही है। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर मालदीव्स की सरकार गिराने जा रही है। बताया जा रहा है कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं मोइजू, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है विपक्ष के तरफ से कि भारत से रिश्ते सुधारिए, और अगर आपने भारत से रिश्ते नहीं सुधारे तो सरकार को खतरा है। वही राष्ट्रपति मोइजू जो हैं वो चाइना से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट भेजें। अब देखना ये होगा कि कितने चीनी मालदीव्स में आ सकते हैं। और जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, क्योंकि पूरा मामला 4 जनवरी से शुरू होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं और उसके बाद आकर वो एक तस्वीर साझा करते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपको घूमने जाना है तो आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। उसके बाद बीजेपी आईटी सेल उन तस्वीरों को प्रसारित करती है और ये कहती है कि अगर आप मालदीव जाते हैं तो वहां जाना छोड़ दीजिए। तमाम तस्वीरें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वायरल कराई जाती है, जो मालदीव में मौजूदा सरकार है जिसने मुद्दे उठाए थे कि इंडिया आउट, यहाँ की जो सेना है, भारतीय सेना जो यहाँ पर है उसे यहाँ से जाना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह के कैंपेन वहां पर चलाए गए थे, उस सब को जोड़ते हुए ये पूरा मामला बीजेपी आईटीएसएल की तरफ से और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं उन्होंने एक पूरा बड़ा मामला खड़ा किया और एक तरीके से भारत वर्सेस मालदीव जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। अब जब तमाम तरह की तस्वीरें सामने आने लगी तो जो मालदीव के लोग हैं, जो उनके वहां के नेता है, वो इस बात को देखकर भड़क गए और उन्होंने भी भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि अगर आप लक्षद्वीप जाएंगे तो वहां पर बेहतरीन सुविधा जो है आपको नहीं मिलेगी जो मालदीव में मिलती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक वहां की मंत्री ने टिप्पणी कर दी, और ऐसे ही मालदीव के 3 मंत्री टिप्पणी करते हैं और तीनों को बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें डर है कि मालदीव्स में अगर भारतीय जो पर्यटक है वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो पर्यटन पर ही निर्भर करती है। और लगातार अगर आप देखें सलमान खान, अक्षय कुमार, रणदीप हुड्डा और ईशा गुप्ता, तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो किस तरीके से जो भारतीय बीच है उन्हें प्रमोट कर रहे हैं और एक तरीके से मालदीव का बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि कितने दिन तक ये बहिष्कार चलता है ये देखना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या हमारी जो विदेश नीति है वो फेल हो रही है। श्रीलंका हो, मालदीव हो, नेपाल, भूटान, तमाम जो देश हैं वो किस तरीके से हमसे बिछड़कर चाइना के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चाइना के साथ अगर वो हाथ मिला रहे हैं और उनके साथ अगर जा रहे हैं तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जो रणनीति है, जो भारत की कूटनीति है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और विदेश मंत्री पर भी कई बड़े के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक विदेश मंत्री का लोहा माना जाता रहा है और कहा जाता है कि ये जयशंकर जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी दोस्त हैं वो किस तरीके से हमसे अलग हो रहे हैं। और इस पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने खान सर के एक वीडियो का हवाला देते हुए तंज भी कसा है। खान सर के वीडियो में क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं, देखिए। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था, यहाँ तालिबान आ चुका है, चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकालाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है चाइना, यहाँ पे ले लिया यहाँ पे, बाकी सब में उतना काम का है कम नहीं। ईरान जो है इसराइल का दुश्मन है, हम लोग इसराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं, ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम? हम लोग अब मीडिया इस बात पे लगी है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए जयशंकर साहब बहुत अच्छे प्रधान विदेश मंत्री हैं, लेकिन आप देखिए एशिया में क्या हो रहा है। हमारा चाइना हमें ना
एक त्रिभुजाकार पिंजरा बना रहा है। यहाँ ग्वादर में चाइना बैठ गया, हम्बनटोटा में बैठ गया है, हम लोग रोकते रह गए, उसकी नौसेना आके यहाँ डॉक कर गई। और यहाँ पे कक्स बाजार बांग्लादेश में, अब देखिए घेर लिया, यहाँ से सीपीसी सड़क बना लिया, यहाँ तिब्बत खुदाई है, अब म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया, आंग सांग सूक चली गई जेल में, सेना प्रमुख आ गया, यहाँ से जोड़ दिया किसको, कक्स बाजार बंदरगाह को जोड़ दिया उसे, हम लोग घिर चुके हैं। और चाइना के पास पैसा की कमी है, टेक्नोलॉजी पैसा किसी चीज की कमी नहीं है, उसने अपनी एक सेना का हिस्सा ही बना रखा है जो प्रॉपर इंडिया को कवर करेगा, एयरफोर्स का ये हिस्सा, नेवी का ये हिस्सा, आर्मी का ये हिस्सा, और सेना का एक हिस्सा लगा रखा है जो अमेरिका को देखेगी, और उसके अलावे उसने अपनी रिजर्व आर्मी रखी है जो इन छोटकन छोटकन से लड़ेगी। हम लोग की विदेश नीति सबसे सही काम करती है पाकिस्तान को लेके, बाकी चाइना के मैटर पे देखते हैं ना मोए मोए हो जाते हैं।